मना कौन कर रहा है ये? विशाल सर। देखो तो आज का टॉपिक है बेटा अपना वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ ए कोण। कोण का जो वॉल्यूम होता है उसके लिए फॉर्मूला आपने याद रखना है, क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब रही बात इसके प्रूफ की कि इसका प्रूफ ये आया कहाँ से, तो आपने करना क्या है, आपने एक सिलेंडर लिया, जो सिलेंडर का डायमीटर था उसी डायमीटर के उसी हाइट के आपने तीन कोण ले लेने हैं। ले लिए, अब तीनों के तीनों कोण को आप पानी से भरो, ठीक है ना, तीनों के तीनों कोण को आपने क्या करना है, पानी से भर लेना है, यानी कि फुल ऑफ वाटर, ऊपर तक क्या करो तीनों को पानी से भर लो। भर लिए तीनों पानी से, बोलो ठीक है। अब तीनों के तीनों को कोणों को आपने पानी से भरा, और जब ये पानी से भरे हुए थे, पानी ये भी पानी का ही भरा हुआ है सारा का सारा, ठीक है। इसको आपने जब इसके अंदर क्या किया, खाली किया, एक को यहाँ से उठाया भरे हुए को और इसमें खाली किया, तो खाली करने के बाद जब आपने इसमें इसको खाली किया तो आपने देखा कि इसका लगभग इतना पार्ट जो है क्या हो गया, पानी से भर गया, यही हो गया। उसके बाद दूसरे कोण को आपने उठाया और फिर इसके अंदर खाली किया, तो ये जो पार्ट यहाँ तक था हमारा अब कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। फिर तीसरे को उठाया आपने, फिर इसके अंदर डाल दिया, तो जब आप तीनों को डालोगे सेम हाइट और सेम रेडियस इनकी जब होगी, तो आप देखोगे कि जब तीसरे को खाली करोगे ना, ये सिलेंडर आपका पूरा का पूरा पानी से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ठीक है इक्वल है वॉल्यूम ऑफ कोण फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही हो गया। और क्योंकि तीनों की हाइट और रेडियस जो है बिल्कुल सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 times वॉल्यूम ऑफ कोण। बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? yes, बोलो भाई। yes, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, जो 3 times में इस साइड आके कहाँ जाएगा, डिवाइड में, कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बाई में 3 इज इक्वल टू आ गया वॉल्यूम ऑफ कोण। ये बात समझ में आई या नहीं आई? yes, और इसी को हम ये भी लिख देते हैं, और 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोण, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बात समझ में आई या नहीं आई? yes, कर लोगे तो प्रूफ हो जाएंगे। बस एक लास्ट टॉपिक और है आपका प्रूफ के लिए, जो कि है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर, फिर ये टॉपिक ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये समझ में आ गया? yes, कोई भी अगर इसका प्रूफ पूछे तो बता दोगे ना? yes, प्रैक्टिकली प्रूफ है ये, प्रूफ आप घर पे भी करके देख सकते हो, अगर आपके पास सेम हाइट सेम रेडियस के वॉल्यूम और कोण है। हमारे पास प्रैक्टिकली यानी कि मैथ की लैब नहीं है, अगर अदरवाइज मैथ की लैब होती तो ये सारे के सारे प्रूफ यहाँ करवाने के नहीं, ये लैब में करवाने वाले प्रूफ हैं, और 100% आप देखते कि इन दोनों का वॉल्यूम में ये रिलेशन होता है, ठीक है। बट अफसोस स्कूलों में, खासकर हरियाणा के स्कूलों में ऐसी लैब नहीं है, प्राइवेट स्कूल में नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं है, किसी में नहीं है, तो इसलिए कोशिश करता हूं आपको हर एक चीज अच्छे से प्रोवाइड करवाने की। कर लोगे? yes, बोलो भाई। yes, चलो एक्सरसाइज निकालो, अब निकालो एक्सरसाइज। निकालो देना भाई। देखो क्या क्या है इसने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोण, राइट सर्कुलर कोण का मतलब है लंबवर्तीय बेलन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोण विद रेडियस 6 centimeters हाइट 7 centimeters। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और उसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, रेडियस कितना दे दिया, रेडियस बोलो 6 centimeters, हाइट कितनी दे रखी है 7 centimeters, ठीक है। क्या निकालना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ कोण, राइट सर्कुलर कह दे या कोण कह दे कोई दिक्कत नहीं, क्या है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर पाई की वैल्यू 3.14 कहता है तो ले, अदरवाइज 22/7 दोनों की दोनों अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू आज तक मिली ही नहीं है। एच कितना है 7, बोलो क्लियर हुआ, 7 से 7 1 पे कैंसिल, 2 पे कैंसिल, 44 × 6 24, 2, 24 और 2 कितना हो गया 6, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब कर लोगे। yes, sir. बोलो भाई। yes, sir. सेकंड पार्ट में रेडियस है कितना, रेडियस 3.5, तो कितना हो जाएगा 35/10 35/10 और हाइट कितनी है इसकी 12, बोलो। ओके, 7 से कैंसिल करो, 7 × 1 = 7, 5, 5 से कैंसिल, 5 × 2, 2 से कैंसिल करो 11, ठीक है, 5 से कैंसिल, 5 × 7 = 5, 2, 2 से कैंसिल 6, 3 से कैंसिल 2, 11 + 7 = 2, 77 × 2 = 14, 14 × 1 = 15 सेंटीमीटर क्यूब कर लोगे ना। yes, हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड दी कैपेसिटी इन लीटर भाई ऑफ ए कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर और सैलेंट हाइट 25 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दे रखी है और अब की बार सैलेंट हाइट दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई कौन सी दुनिया में है, क्लास में ही है क्या, और कहाँ ध्यान है, देखो फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कॉनिकल वेसल विद रेडियस, रेडियस कितना है जिसका, रेडियस है जिसका 7 सेंटीमीटर, सैलेंट हाइट, सैलेंट हाइट एल 25 सेंटीमीटर, ठीक है, एल क्या होता है, एल सेलेंट हाइट एल स्केयर क्या इसके इक्वल होता है या नहीं होता है, फॉर्मूला बताया था ना, एल किसके इक्वल होता है, आर स्केयर प्लस एस स्केयर, ठीक है, हेयर आर इज रेडियस रेडियस ऑफ कोण एंड एच हाइट ऑफ कोण, बोल तो नहीं गए इस चीज को, देखो ये फिगर बनवाई थी जब एरिया वाला टॉपिक किया था, ये एच है, ये आर है, ये एल है, राइट एंगल ट्रायंगल बनी थी, एल स्केयर बराबर एस स्केयर प्लस आर स्केयर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एल कितना है, आर कितना है, एच निकाल लेंगे कितना हो गया 625 − 49 इक्वल टू एस स्केयर, यही आ गया क्या बेटा, कौन से अंडर रूट से कटेगा, वो किया ही नहीं हमने, हमने किया ही नहीं इसके रूट, 15 × 9 = 6, 11 × 4 = 7, 7 रह गया, कितना रह गया यहाँ पर 176, यही रहेगा क्या यहाँ 5 आएगा, हाँ ठीक है 576, वेरी गुड भाई, ठीक है अब करो दोनों तरफ स्केयर रूट, कैंसिल हो गया, एच की वैल्यू बताओ 24. कितनी आ गई 24, किसका है स्केयर रूट 24 का, ये बात समझ में आई या नहीं आई, yes, यहाँ तक क्लियर है, yes, लड़कियों में डाउट लग रहा है किसी को, no, वो ये है बेटा जो ये बोल रही थी निधि, आर स्केयर प्लस एच स्केयर, ये तब होता जब एल निकालते हैं, निकालना एच है फिर वापस स्केयर करना पड़ेगा, ठीक है ज़्यादा दिमाग ना लगाया करो, एल आ गया नहीं सॉरी एच आ गया, क्या निकालनी है कैपेसिटी, क्या है फॉर्मूला, 1/3 πr² h, 1/3 π की वैल्यू 22/7 आर 7 × 7 हाइट 24
कैंसिल करो, एक आठ से कैंसिल, कितना हो गया 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, कितना हो गया ये 22 की मल्टीप्लाई 56 से कितना हो गया 12, यही हो गया। उसके बाद 5 से 10 और 1 11, 2 3 2 1 1 2 3 2, चलो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब। इसको लीटर में बदलना है, बाय में कितना आ जाएगा 1000, तो कितना हो गया ये 1.232 लीटर। कर लोगे? यस सर। ओके, नेक्स्ट भाई, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। कर लोगे अगला पार्ट दो? द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, तो फाइंड द रेडियस ऑफ बेस और यूज पाई 3.14। पाई की जगह कितना यूज करना है 3.14। देखो क्या कहा इसने, इसने कहा है कि हाइट दे रखी है 15, हाइट कितनी है हाइट 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोण कितना है बोलो 1570 सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकालना है रेडियस, रेडियस हमने फाइंड आउट करनी है, पाई कितना है 3.14। वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच 1570, यही हो गया। ये हो गया 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 आर। ओके 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 ओके, तो डिवाइड में 100 आर निकालना है, एच और ये 15/70, यही है। तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बाय 15 100 314, बोलो yes, यही हो गया yes, 3 से कैंसिल भाई, 3 5 5 से कैंसिल 20। अब ये देखो कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, 2 पे तो कैंसिल है बस, चलो 2 से कर लेते थोड़ा आसान हो जाएगा। हो गया बेटा पूरा कैंसिल होगा, 2 10 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 सत्ते 14, अब हो गया yes, बोलो yes, आर स्केयर किसके बराबर आ गया, स्केयर रूट करो 10. तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10. कर लोगे yes, कौन सा था ये क्वेश्चन, एक बच्चा आंसर भी मैच करते रहना, कभी सारे गलत निकाल रहा हूं मैं। ले ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, तो इसके बेस का डायमीटर निकालिए, बताइए क्या होगा। देखो देखो भाई क्या कहा इसने, इसने कहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हाइट कितनी दी है पहले तो बताओ, हाइट 9 सेंटीमीटर, फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 48 पाई, यही है yes, पाई की वैल्यू दे रखी है yes, नहीं दे रखी, तो 1/3 है एज इट इज पाई की वैल्यू, आर निकालना है एच
नाइन, 48 12, आर स्केयर किसके बराबर आ गया? अच्छा पाई है, पाई है, पाई, गुस्सा की माफ हो जो, चलो फिर इसको भी पाई ही रहने दो, कैंसिल करेंगे ना आसान हो जाएगा, 48 पाई कहाँ गया, ये पाई डिवाइड में आ गया, ये थ्री कहाँ चला गया, और ये नाइन नीचे, ठीक है, उल्टा करना है, जो ऊपर वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, बस ठीक है, कर लोगे, कैंसिल करो, पाई से पाई तीन नो 16 भाई, तो आर स्केयर बराबर आ गया 16, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड देन वैल्यू ऑफ आर इज 4, कितनी आ गई 4, रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस डी इज इक्वल टू 2r, तो डायमीटर कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ गया 8, कर लोगे बोलो, कितने हो गए क्वेश्चन, काफी आज के लिए, चलो सारे के सारे टूट के पढ़ते हैं एकदम, है पढ़ लिया करो, मन नहीं करता तुम्हारा किताब उठाने का, निकम्मे इकट्ठे हो रहे हैं सारे के सारे।